ready? How to recognize their Kali Bikram patient? ये मल्टी माइजमेटिक सोरा सिफिलिस सेप्सिस तीनों में वर्क करते हैं विद डोमिनेंट सुडोसोरिक, लेकिन सुडोसोरिक का जनरल एक्शन है। इसका पहचानने का तरीका है इडिमा लोअर एंड अपर आईलिड्स, अपर एंड लोअर दोनों आईलिड स्वेलिंग, ठीक है। और इसका उबला जो है बीच में जो लटकता रहता है उबला गला के अंदर उसमें स्वेलिंग, दैट इज काली बाइक्रोम। समझ में आया? और एक बेस्ट पहचानने का तरीका है फैट चबी शॉर्ट नेक पर्सन क्रेविंग फॉर एसिड एंड डिस्पोज्ड टू कैच कोल्ड, सर्दी लगने की बहुत ज्यादा लगता है उसको। और इसका सबसे बड़ा पहचानने का तरीका है शॉर्ट नेक, गला छोटा रहेगा। बड़ा गला लंबा गला किसका होता है बोलो? नेक्टमीर और कैलक्रियाफस दोनों का नेक लंबा होता है, ठीक है। फैट एंड चब्बी मोटा तगड़ा रहेगा, शॉर्ट नेक पर्सन रहेगा, क्रेविंग फॉर एसिड में खट्टा उट्टा एसिड जितना चीज खाने में माहिर रहेगा और थोड़ी सी देर में ठंडा पकड़ लेगा। और एक लक्षण है फैटी चिली या स्वीटी, मोटा ठंडा ज्यादा लगना और पसीनेदार कलकिया काब जैसा, ठीक है, हमेशा पसीना से भरा हुआ रहेगा। दूसरा पेन इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में पेट में दर्द। दूसरा क्या मेडिसिन है? कैल्किया फॉस, ठीक है। एक मेडिसिन अच्छा से याद करोगे दोबारा पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है। काली बाइक्रोम को देखते ही पहचान जाओगे काली बाइक्रोम देना है। डिस्चार्ज थिक एंड स्टिंगिंग येलोइस, जितने डिस्चार्ज के पॉइंट हैं नाक से कफ से ये से भी स्टिंगिंग थिक मोटेदार येलोइस और लार्विक। और इसका साइटिका जो पेन होता है साइटिका फ्लेक्शन नी, घुटना मोड़ने से उसको आराम मिलता है। समझ में आया? अगर साइटिका पेन जनरली आया घुटना मोड़ के अगर उसको आराम मिलता है देन यू गो फॉर डायरेक्टली काली बाइक्रोम। येलोइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्चार्ज है, आंख से जो डिस्चार्ज होगा वो येलोइस होगा और जीभ भी उसका येलोइस रहेगा थोड़ा। ऐसे पेशेंट आते हैं जो पीछे में दर्द होता है, जो बोलते हैं एड़ी में दर्द हो रहा है, पीछे में दर्द दे रहा है, यहाँ पर सूजन रहता है और फुट के बॉर्डर में अगर स्वेलिंग रहता है, फुट के बॉर्डर में है किनारे किनारे में अगर सूजन है देन यू थिंक देख काली बाइक्रोम। समझ गए? कौन का मेटा ओरल लगते हैं जीभ में मुंह के अंदर घाव हो जाता, ठीक है, ये काली बाइक्रोम में दिखा दिया। एक लो लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर की भारी कमी, लो लिबिडो सिर्फ काली बाइक्रोम में है। दूसरा पेन इन स्मॉल जो स्पॉट्स रिफर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी थोड़ी जगह में एक जगह दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा अपने आप, फिर थोड़ी जगह में दूसरी जगह दर्द होगा फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। माने पेन इन स्मॉल स्पॉट्स रिफर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ी सी समय के लिए होता है। स्किन रेड सपरेटिव इरप्शन एग्रेवेशन समर, गर्मियों के दिनों में पस फॉर्मेशन होने वाला लाल लाल दाने, ठीक है। पीरियोडिकल न्यूरलजिया पर रह रह के दर्द होना, न्यूरलजिक पेन में भी ट्राइजुबल न्यूरलजिया और बाकी कुछ में भी नर्व के पेन हो।
डीप पंच्ड आउट अल्सर, जिसके अल्सर होंगे गड्ढा के बना हुआ रहेगा, डीप अल्सर्ड, ठीक है, गड्ढा बना रहेगा। ये एक बहुत बढ़िया लक्षण है जो दूसरे मेडिसिन में नहीं है, इसको ठीक से समझो। माइग्रेन हेडेक विद ब्लड विजन, सिर में दर्द लेकिन ब्लड विजन, मैंने कुहासा भरा हुआ, वह देखने में बहुत तकलीफ रहेगा, इस तरह का दिखेगा, ब्लड विजन। कफ एग्रेवेशन कोल्ड विंटर, स्किन सिम्टम्स एग्रेवेशन विंटर, कफ एग्रेवेशन ऑन कोल्ड एंड विंटर। लेकिन इसके पहले आप देखिए क्या था, इसके बाद कैटरा, सर्दी विथ पेन इन रूट ऑफ नोज, रूट ऑफ नोज में अगर दर्द है, सर्दी है रूट ऑफ नोज में अगर दर्द है, देयर इज टू मेडिसिन, कालीबैक्रम एंड स्ट्रिक्टा, ये याद रखना, छोटी छोटी बातों को अच्छे से याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा। अपर लिप में स्वीट, पसीना आना, अपर लिप में, लोअर लिप में नहीं, सिर्फ अपर लिप में पसीना आएगा, स्पेस से खासियत ये है, ठीक है। एग्रेवेशन कोल्ड अर्ली मॉर्निंग सिटिंग, एमिनेशन हीट एंड मोशन, टंग क्रैक मैप, अल्सर विद क्लियर और इरेगुलर मार्जिन, पेन इन द पोस्टिशन, प्लीज, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.